मैं समझता हूं कि बजाय मैं अपनी बात करने के, देवेगौड़ा साहब ने जो आपको कहा है उसमें कई किसान साथी ऐसे हैं जो उनकी बात में अनुवाद कर देता हूं। देवेगौड़ा जी ने कहा है कि मैं आपके बीच एक किसान के रूप में हमदर्दी व्यक्त करने आया हूं। दो महीने पहले ये कार्यक्रम तय हुआ था और मैंने वादा किया था कि 30 तारीख को आपके इस कार्यक्रम में मैं शामिल होऊंगा, लेकिन कल बराबर के मुल्क में नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, वहां के प्रधानमंत्री जी ने निजी तौर पर फोन करके बुलाया है, वही किया है देवेगौड़ा जी को, और हम दोनों लोग कल नेपाल जा रहे हैं, इसलिए आपके बीच में कल नहीं रह सकते, इसलिए माफी मांगते हुए आपके बीच आज रात में यहाँ आपके साथ शामिल होने के लिए आए हैं। अपनी पार्टी की तरफ से मैं वादा कर सकता हूँ कि जो किसान भाई यहाँ अपना दर्द लेकर के, मांगे लेकर के इकट्ठा हुए हैं, जो कल मांग पत्र आप वहाँ देंगे, वो सभी मांगों को जनता दल सेक्युलर मैं अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल करूंगा, और आपके इस संघर्ष में मैं कंधे से कंधा मिलाकर के रहूंगा। 10 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे, उस वक्त उनके दामाद आ जाए थे, कुछ पुरानी फोटो दिखा रहे थे, मैंने चंद फैसले लिए, उस वक्त 1 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, 14 दिन के अंदर जो डीएपी पर डीएपी और जो खाद पर जो दाम बढ़ाए गए थे सब्सिडी खत्म की थी, 14 दिन के अंदर उस सब्सिडी को बहाल करने का काम किया, 1000 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी जो है किसानों को बहाल करने का काम किया। गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश में बताया था, हमारे साथी बीएनसी के हमारे साथ हैं, इनके सारे प्रतिनिधिमंडल किसानों का लेकर के आए थे, गन्ना तुरंत कराने का काम उत्तर प्रदेश में उस वक्त हमने किया था, और कई ऐसी चीजें थी जो छोटे से कार्यकाल में हमने करने की कोशिश की। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मैं इतना कह सकता हूँ मेरी 86 साल की उम्र है आज, मैं प्रधानमंत्री भी रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, एमएलए भी रहा, साधारण एमपी हूँ, लेकिन किसान के रूप में पैदा हुआ था, एक छोटे किसान परिवार के मैं मैंने जन्म लिया था, और मैं 86 साल की उम्र में भी किसानों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, जैसा कि आप आज कर रहे हैं। जब आज से 15 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो मैं स्वयं 2500 किसान कर्नाटक से लेकर के दिल्ली आया था, और जनरल क्लास की बोगी में, क्योंकि किसान इतने मतलब दर्द से थे कि इतनी जगह भी नहीं थी, एक बोगी में डबल डबल बर्थ भर गए, और मैं लगेज वाली बोगी में 40 घंटे का सफर तय कर करके बिना किसी गद्दे के, बिना किसी चादर के, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी देता है, उसके ऑफिसर्स ने कहा किसान एक बोगी खाली कर दीजिए, हमें आपकी सुरक्षा के लिए चाहिए, मैंने कहा कि नहीं, आज मैं अगर प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री हूँ तो इन किसानों की वजह से हूँ, मैं इनके साथ लेट करके जाऊंगा, और 40 घंटे का सफर मैंने उस लगेज की बोगी में उन किसानों के साथ तय किया, और हम यहाँ आए, और उस वक्त के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने जो है एक मेमोरेंडम दिया मैग्ना कार्टा के रूप में, कि जो किसानों से जुड़ी मांगे थी वाजपेयी जी ने इतना एश्योरेंस जरूर दिया था कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से बात ये कि किसानों की उन 24 मांगों में से एक भी मांग जो है वो नहीं पूरी हो सकी,
तो मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं एक बार फिर जो हमारे लोकसभा के निर्दलीय सांसद हैं राजू शेट्टी जी, हमारे कर्नाटक के किसान नेता हैं चंद्रशेखर जी, हमारे पुराने साथी जो किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं वीएम सिंह जी, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि आपकी जो मांगे हैं, आपका जो संघर्ष है, उस संघर्ष में मैं आपके साथ इस रात में खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। चाहे मैं किसी भी पद पर रहूं, चाहे या न रहूं, लेकिन किसानों का दर्द मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने वो दर्द बचपन से लेकर के जवानी तक देखा है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके भी मुझे जो छोटा थोड़ा सा वक्त मिला, उसमें मैंने किसानों के लिए कुछ करने की कोशिश करी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका जो कल का जो कार्यक्रम है वो कामयाब हो, और हमारे विपक्षी दल के सभी दलों के नेता जो हैं उसमें आएंगे, वामपंथी पार्टियों के और दूसरे दलों के नेता, उन सब का समर्थन इन किसान आंदोलन को, किसानों की सभी मांगों को है। मैं एक बार फिर आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोड़ा साहब जिंदाबाद। रमेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोड़ा साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। कहना चाहूंगा देवगौड़ा साहब ने जो 2400 की प्रेरणा से आज चंद्रशेखर के माध्यम से 5000 किसान यहाँ पर आए हैं, आप ही की प्रेरणा से आए और चंद्रशेखर के लिए आए हैं। यहाँ देवगौड़ा जी हमारे विधि पर आ गए, आपने